नमस्कार, मैं उमेश शुक्ला। आप देखना शुरू कर चुके हैं विराट 24 न्यूज। खबर रीवा से है, जहां स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर रीवा जिला न्यायालय के अधिवक्ता न्यायालयीन कार्यों का बहिष्कार कर दिए हैं, जिसके चलते न्यायालय के कार्य प्रभावित हो गए हैं। दरअसल किए जा रहे कार्य बहिष्कार को लेकर पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट से आदेश न्यायालय में पहुंचा है कि हर कोर्ट 25-25 फैसले हर माह सुनाएगी, जिससे मजिस्ट्रेट के साथ साथ अधिवक्ताओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने कहा कि फैसले हो रहे हैं, लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण यह है कि एक तरफ फैसले लिखे जा रहे हैं, दूसरी तरफ गवाही हो रही है और तीसरी तरफ बहस चल रही है। क्योंकि मजिस्ट्रेट इस मामले में कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए अधिवक्ता जो प्रतिदिन मजिस्ट्रेटों के सामने रूबरू होते हैं और समस्याओं को देखते हैं, इसके चलते न्यायालय कार्य का बहिष्कार किया गया है। अगर हाईकोर्ट अपने आदेश को निरस्त नहीं करता तो अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के साथ अन्य अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है। देखिए, आंदोलन के बारे में, कार से विरत रहने के बारे में अभी हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने आपको बताया है। न्याय की भावना सब में है, जज भी न्याय करना चाहते हैं, वकील भी न्याय में सहयोग देना चाहते हैं, पक्षकार के हित में ही दोनों पक्ष हैं। लेकिन न्याय की जो स्थिति है, कितना महंगा हो गया है, कितना लंबित है, हाई कोर्ट में सिविल के मामले पेंडिंग हैं और वहाँ की तो इतनी बड़ी पेंडेंसी है कि शायद यहाँ से ज़्यादा है, तो उनकी अपनी समस्याएं हैं। सिविल मामले ऐसे हैं कि एक बार हाई कोर्ट चला गया, किसी ने स्टे ले लिया, स्टेटस को ले लिया, उसी में चल रहे हैं 200-250 साल से, नंबर ही नहीं लग रहा। यहाँ भी सिविल के मामले काफ़ी लंबित है, पर इसका ये निराकरण नहीं है कि आपने जबरदस्ती फोर्सली आप अपने अधीनस्थ न्यायाधीशों के ऊपर ये दबाव डालें कि आपको इसको मामले को निपटाना है। अब स्थिति ये बनती है कि यहाँ पर काम का बोझ बहुत अधिक है लोअर जुडिशरी में, और काम का बोझ होने से न्याय की दिक्कत तो पड़ती है। डिस्पोजल होते हैं और जस्ट जो हम सेंटीमेंट रखते हैं कि न्याय मिले, निष्पक्ष न्याय रहे, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अब ये दोनों चीज़ों पर अपने वरिष्ठ न्यायालय है हाई कोर्ट को विचार करना चाहिए कि न्याय देना है कि केवल डिस्पोजल करना है। तो अब डिस्पोजल तो कराना है तो न्याय नहीं मिलेगा, और न्याय देना है तो उसमें सारे दोनों पक्षों पर और उसके गुण दोष पर विचार करना पड़ेगा, प्रॉपर सारी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। तो ये दबाव न्यायालयों पर नहीं होना चाहिए। न्यायालय, बल्कि इसका विकल्प यही हो सकता है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ जाए, कोर्टें बढ़ जाए, ये एक उचित माध्यम है। पर ये थोड़ो है कि फोर्सली आप अब दे दिया कोटा परमिट, जैसे कि आप जल्दी से इनको फैसला करिए, 5 साल के पुराने प्रकरण कितने हैं। अब न्याय लोअर जुडिशरी के न्यायाधीश उसी दबाव में रह जाते हैं, उन भाई वो न्याय करना चाहते हैं, पर न्याय करने में अब वो फाइलें कम से कम 2-2, 3-3 किलो की पुरानी फाइलें हैं। अगर उनको पढ़ना भी चाहे तो फैसला भी करना चाहें तो कम से कम एक फाइल को फैसला में 5-6 दिन लग सकते हैं। अब उनके पास समय जितना है उतने में वो काम कर रहे हैं, तो फोर्सली डिस्पोजल न कराया जाए, न्याय कराया जाए। और उसी बात को लेकर के ये न्यायालय के कार्यों से हम लोग विरत हैं। और मैं राजकुमार शुक्ला, अधिवक्ता। इसमें ये हड़ताल मुख्य रूप से इस बात के लिए है कि हमारे प्रदेश में कमोवेश फैसले तो बहुत हो रहे हैं लेकिन न्याय नहीं हो रहा है। वो इस वजह से कि हाई कोर्ट ने 25-25 मामले हर कोर्ट को
तत्काल निपटाने के लिए एक सीमाबद्ध करके उपलब्ध करा दिए हैं, उनकी सूची उपलब्ध करा दी है, दे दिया है और ये कहा कि इतने दिनों के भीतर इन मामलों का निराकरण करना है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि पक्षकारों को न्याय नहीं मिल रहा है। वो न्याय न मिलने का कारण ये है कि ना तो समुचित रूप से गवाहों को बुलाया जा पा रहा है, ना उचित स्तर की गवाहियां हो पा रही हैं। एक तरफ फैसले लिखे जा रहे हैं, दूसरी तरफ गवाह हो रहे हैं और तीसरी तरफ तीसरे मोर्चे पर बहस सुनी जा रही है। ऐसे में जो स्थिति बनती है वो केवल इतनी बनती है कि फैसले हों और न्याय नहीं हो, केवल यही प्रायः देखा जा रहा है। और इसमें अधिवक्ताओं को और न्यायाधीशों को भी तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए न्यायाधीश तो बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अधिवक्ताओं को जो फेस करना पड़ता है, न्यायाधीशों से रोज रूबरू होना पड़ता है और न्यायाधीश की स्थिति ये बन गई है कि वह न्याय करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से हमारे स्टेट बार काउंसिल ने यह तय किया है कि इस तरह के जो आदेश हैं वो वापस लिए जाएं, अन्यथा अनिश्चित काल के लिए हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे और फिर जो फैसले जिस प्रकार से सरकार को कराना होगा, जिस प्रकार से हाई कोर्ट को कराना होगा, अपना कराएंगे और इसके लिए आज हम लोग हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर क्या, न्यायालय से हम लोग अपने को विरत रखे हुए हैं। हड़ताल तो हम करते ही नहीं कभी, हमको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हड़ताल आप नहीं करेंगे तो हम हड़ताल कभी नहीं करते। हम अपने को न्यायालय के कार्य से विरत रखते हैं और हम कार्य नहीं करेंगे तो कोई बाध्य नहीं करेगा कि कार्य करें। हम आज कार्य से विरत। वीरेंद्र सिंह।